तुम जानती हो किसका बेटा? हाँ मुझे पता है, एमएलए का बेटा है वो। इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो नौकरी प्यारी है। हम किसके पास जाएंगे? मुझे नहीं पता, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब हम किसके पास जाएंगे? तुम घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। एक रास्ता है। कौन सा? एमएलए के पास चलते हैं, वोट मांगने जब वो हमारे पास आए थे उन्होंने बोला था कि वो हमारे साथ हैं, महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी किया था उन्होंने। चलो देखते हैं कितना साथ है वो आज हमारे। सर कुछ लड़के हमें सरेआम परेशान कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ठीक है, इसके लिए पुलिस बताया था ना, आप पुलिस के पास जाइए, वहाँ पे कंप्लेन लिखाइए। सर उन्हीं ने हमें आपके पास भेजा है। देखिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप पुलिस के पास जाइए, वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाइए। सर वो आप ही का बेटा है, अगर इस तरह के कपड़े पहन के रोड पे निकलेंगे तो लड़के तो छेड़ेंगे ना। उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे बच्चे क्या गलती है? उसमें हमारी क्या गलती है? सिक्योरिटी इनको बाहर करो। अब हम क्या करेंगे, हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। बस बहुत हुआ ये अत्याचार, नारी को ना समझे बेचारी, अब है मेरे वोट की बारी, सही वोट की ताकत से अब आएगी शामत तुम्हारी। अब है मेरे वोट की बारी, 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 अब है मेरे वोट की बारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा सिंह है। किस तरह का कार्यक्रम किया है आप लोगों ने यहाँ पर? यहाँ पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। किस संस्था से आए आप लोग? हम श्री राधाराम नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज से हैं। क्या लोगों को किस तरह का जागरूकता का पैगाम दे रही हैं आप?